नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 7 अप्रैल। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है देश दुनिया की, एक एक करके बताएंगे। जहां भूचामुही हत्याओं की लोकसभा और संसद में विदेश मंत्री ने कड़ी निंदा की, कहा स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, और यूक्रेन पर भी चर्चा के दौरान बोले एस जयशंकर। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, भारत को यूएन मिल सकता है वीटो पावर। बड़ी खबर निकल के आ रही यूएनएससी में, भारत ने जहां भूचे नरसंहार को लेकर स्वतंत्र जांच की मांग की, वहीं दूसरी तरफ यूएन में रशिया को पूरी तरीके से निकालने की तैयारी, भारत को शामिल करने की वकालत तेज की है ब्रिटेन ने, फ्रांस ने। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, आतंकियों और इमरान खान में मचा हड़कंप। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार की योजना का आईएमएफ भी हुई अमरूद, पूरी दुनिया में बजा डंका। आईएमएफ ने प्रधानमंत्री मोदी की पीठ थपथपाई, कहा कोरोना में नहीं बढ़ी गरीबी, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच ऑकस में भी शामिल हो सकता है भारत, जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर बनकर उभर रहे हैं। एक एक खबरें बताएंगे, और आखिर अमेरिका ने कैसे भारत को दिया है ऑकस में आने का प्रस्ताव, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच इजराइल में बड़ा उलटफेर दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, नफ्ताली बेनेट सरकार ने खोया बहुमत, सत्ता में लौट सकते हैं नेतन्याहू, तो वे एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली भूचामुही हत्याओं की करते हैं कड़ी निंदा, होनी चाहिए स्वतंत्र जांच, भारत की संसद में गर्जा, अमेरिकी रशिय बर्बरता, यूक्रेन में रूसी सैनिकों की बर्बरता की कहानी। दरअसल दोस्तों, भूचाकांड पिछले 3-4 दिनों से काफी गर्म है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को लोकसभा में यूक्रेन पर बहस का जवाब दिया। लोकसभा में एक एक करके उन्होंने कहा कि कैसे पीएम मोदी की एक फोन से और भारतीय तिरंगों से किस तरीके से पूरे यूक्रेन का सिस्टम बदल गया, जहां पूरे यूक्रेन में लोगों को समस्याएं हो रही थी। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को एक फोन किया और भारत के झंडे से रूसी सैनिकों ने लोगों की, भारतीय छात्रों की निकालने की मदद की। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री ने जानकारी दी कि अब किसी भी तरीके की समस्या जो है वो नहीं हो रही है भारत को, भारत छात्रों को पूरी तरीके से निकाल चुका है। विपक्ष को करारा जवाब दिया, रूस यूक्रेन युद्ध को पूरी तरीके से समाप्ति की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम पहले ही दिन से कह रहे हैं कि यहाँ पे शांति से वार्ता होनी चाहिए। इसके साथ ही भूचा में हुई हत्याओं की कड़ी निंदा की, उन्होंने कहा कि स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, हम इस चीज की मांग करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी पल पल की अपडेट जो है इन दोनों देशों के युद्ध के बीच ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये तो संसद, भारतीय संसद में मामला उठा, दूसरी तरफ यूएनएससी में भी भारत ने भूचा में नरसंहार की निंदा की और स्वतंत्र जांच की मांग की। जहां पर आपको बता दें, भारत में बात करें हम, तो वहाँ पर सीधा सीधा उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है, यूक्रेन में हालात में सुधार नहीं दिख रहे हैं, हाल ही में भूचा में जिस तरीके से आम लोगों की हत्याओं की रिपोर्ट सामने आई है वो विचलित करने वाली है, हम इन हत्याओं की कड़ी निंदा करते हैं और स्वतंत्र जाँच की मांग का समर्थन करते हैं। इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। इस बीच एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, जहाँ पर यूएन में भारत ने इस जाँच की, इस पर कड़ी जाँच की मांग की, दूसरी तरफ रशिया को यूएनजीए से निकाल की तैयारी, यूएनजीए में आज रूस के खिलाफ होगी वोटिंग। बड़ी खबर निकल के आई, जहां पर आपको बता दें यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी कहा यूएन से तत्काल रूस पुतिन को हटाना चाहिए, बूचा में हुए महिलाओं बच्चों के साथ हुआ है रेप। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के बाद रूस चारों तरफ से घिर गया है, वहीं इस बीच रूस पर एक और संकट आ गया है। समाचार एजेंसी एफपी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी से निलंबित करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली में गुरुवार को वोटिंग होगी। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के 40 से अधिक दिन हो गए हैं, जंग अभी भी जारी है, और इतने दिनों में रूस ने यूक्रेन के कई शहर तबाह कर दिए हैं, लाखों यूक्रेनियों ने देश छोड़ दिए हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने को लेकर कई दौर की वार्ता जारी है, लेकिन इससे कोई खास समाधान नहीं निकल सका है। जारी युद्ध के बीच भूचा में रूसी सैनिकों की बर्बरता भी सामने आई है, जिसके बाद से अब भूचा नरसंहार की भारत, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देशों ने निंदा की है। इसके साथ ही कई देशों ने अब रूस के खिलाफ तिरछी नज़र भी गड़ा दी है। रूस जिस तरीके से बर्बरता कर रहा है, उसको लेकर कई देशों ने यूएनएससी से बाहर करने की मांग, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की है यूएनएससी से बाहर निकालने की, तो दूसरी तरफ यूएनजीए से बाहर निकालने के लिए आज वोटिंग भी होगी। और आने वाले समय में अगर रूस इसी तरीके से करता रहा तो यूएनएससी से भी बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी प्रस्ताव दिया है।
दोस्तों यूएनजी अलग है, यूएनजी है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है जो कि मानवाधिकार परिषद है, और दूसरा यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जो एक बड़ी संस्था है। और यूएनएससी से निकलने का मतलब भारत रूस के लिए भी बड़ा झटका होगा। ऐसे में फ्रांस ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारत को लाने का प्रस्ताव कर रहे हैं कि यूएन में भारत को वीटो पावर दिया जाए, भारत को स्थायी प्रतिनिधि दी जाए। अगर भारत का रुख जो है रूस के खिलाफ हो जाए तो वो तमाम देश जो हैं अभी भारत को यूएनएससी में बैठा दें, लेकिन भारत अपने पुराने मित्र रूस का समर्थन कर रहा है जिसकी वजह से अभी थोड़े परिणाम भुगत रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, फिर भी अगली अपडेट निकल के आ रही, 34 साल बाद भारतीय राष्ट्रपति की पहली नीदरलैंड यात्रा, किंग अलेक्जेंडर बोले भारत के G20 का अध्यक्ष बनने का इंतजार। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नीदरलैंड यात्रा की आधिकारिक शुरुआत के दौरान यूरोपीय देशों के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और रानी ने उनका और उनके पत्नी सविता कोविंद का मंगलवार को औपचारिक स्वागत किया। राष्ट्रपति कोविंद दो देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में एमस्टर्डम पहुंचे। राजा विलियम अलेक्जेंडर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में आयोजित रॉयल पैलेस में एक राजकीय भोज के दौरान कहा कि नीदरलैंड इस साल दिसंबर में भारत में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष बनने का इंतजार कर रहा है। किंग अलेक्जेंडर ने अपने भाषण में कहा है कि राष्ट्रपति कोविंद की नीदरलैंड यात्रा से देश सम्मानित महसूस कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत को G20 का अध्यक्ष भी बनाया जाना चाहिए, तो ये भारत की गौरव के लिए, भारत के लिए गौरव की बात है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, दो दिन कल शाम को सुनवाई टली, राष्ट्रपति के वकील ने अदालत के अधिकार क्षेत्र पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अब जो है बख्शने के मोड में नहीं है इमरान खान के। जी हाँ, इमरान खान की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में इमरान खान की पार्टी PTI ने 100 से ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी नहीं बदलने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने अगले चुनाव में अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्यों को टिकट देने पर भी सहमति जताई। इसके साथ ही आपको बता दें विपक्ष ने कार्यवाहक PM के पद पर रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर के नाम का प्रस्ताव रखा। इस बीच इस पूरे मामले में CJI ने पूछा है क्या स्पीकर के पास संवैधानिक प्रक्रिया में खलल डालने का अधिकार है। CJI दोस्तों जिस तरीके का रुख अख्तियार कर रहा है इस पूरे मामले में, इससे एक बात तो तय है कि सुनवाई कितने भी दिन टले लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इमरान खान की इस असंवैधानिक प्रक्रिया को बख्शने के मूड में नहीं है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बांदियाल ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि क्या स्पीकर के पास संवैधानिक प्रक्रिया में खलल डालने का अधिकार है। जस्टिस जमाल खान मंडेश्वर ने सुनवाई के दौरान पटरी को उतारने की कोशिश न की जाए। बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति के वकील ने अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब देखा कि इमरान खान की अब ठोकाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, इमरान खान नपने वाला है, तो इमरान के वकील सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े करने लगे हैं। एक और अपडेट लेते हैं, IMF में बजा भारत का डंका। जी हाँ, दुनिया में एक बार फिर से IMF ने भारत का लोहा माना, PM मोदी का लोहा माना, कहा कोरोना में मोदी ने नहीं बढ़ने दी गरीबी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सराहना की। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान इस योजना ने अत्यधिक गरीबी में वृद्धि को टाल दिया। IMF ने एक नए पेपर में पाया है कि 2019 में भारत में अत्यधिक गरीबी PPP 1% से कम है और 2020 के दौरान उस स्तर पर बनी रही। रिपोर्ट्स में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाद्य सुरक्षा योजना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत में अत्यधिक गरीबी के स्तर में किसी भी युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण रही है। इस बात को माना है मोदी सरकार ने, माना है, और इसके साथ उन्होंने कहा है कि PM मोदी की खाद्य सुरक्षा योजना बेहद कारगर रही है। तो ये IMF ने प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, चीन की बढ़ेगी टेंशन, एक साथ मिल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका। अमेरिका ने प्रस्ताव भारत को भी दिया, कहा रूस से रक्षा रिश्ते खत्म करो और ऑकस में एंट्री पाओ। जी हाँ, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हाल ही में गठित सुरक्षा संगठन ऑकस के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे। तीनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को लेकर चिंताओं के बीच ये घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऑकस की प्रगति पर विचार करने के बाद इस योजना की घोषणा की। तीनों देशों ने ये गठबंधन बीते साल सितंबर में बनाया है। इन नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक रोधी प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता पर नया त्रिपक्षीय सहयोग बनाने के साथ साझा कर रहे हैं।
तो ये चीज़ें निकल के आई हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका ने भारत से क्या कहा है, भारत से कहा है कि आप रूस से जो है रिश्ते ख़त्म करिए। जी हाँ, उन्होंने साफ कहा है कि आप रूस से रिश्ते ख़त्म करिए, उसके बाद आप अमेरिका और ऑकस के इस संगठन में एंट्री पाइए। अब भारत के लिए एक बड़ी, भारत के सामने बड़ी चुनौती है, वो रिश्ते ख़त्म करेगा रूस से या ऑकस में एंट्री, ये तो समय बताएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट, इसराइल में हो सकता है बड़ा उलटफेर, नफ्ताली सरकार ने खोया बहुमत, फिर सत्ता में लौट सकते हैं नेतन्याहू। पाकिस्तान श्रीलंका में सियासी उथल पुथल के बीच अब इसराइल में भी बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की गठबंधन सरकार ने बुधवार को बहुमत खो दिया है। सरकार में शामिल इडिट सिलमैन ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा यामीन एमके ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस ताज़ा घटनाक्रम में बेनेट की कुर्सी का खतरा मंडराने लगा है। एक बार फिर से इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सरकार के सहयोगी गठबंधन की सांसद सिलमैन ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के गठबंधन में अपने व्हिप के घोषित इस्तीफे के साथ अपना बहुमत खो दिया। इसके साथ ही इडिन सिलमैन के जाने से एक नए संसदीय चुनाव की संभावना भी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की सरकार सत्ता में बनी हुई है, लेकिन अब 120 सदस्यीय संसद काम करने के लिए संघर्ष करेगी। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है इसराइल से, और ये भारत के लिए भी कहीं ना कहीं तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जो पुराने दोस्त हैं उनकी वापसी हो सकती है। एक और अपडेट, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद 24 अप्रैल को पहली बार कश्मीर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कश्मीरी पंडितों से भी करेंगे मुलाकात। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी का यह दौरा 24 अप्रैल को होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कौल ने यह जानकारी दी है। कौल ने यह भी बताया है कि दौरे के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधियों ने भी पीएम मोदी को मिलाने की कोशिश की हो रही है, ताकि वो खुद पीएम से मिलकर अपनी समस्याओं को साझा कर सकें। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुंग ने कहा है कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को आतंक की राजधानी से पर्यटन की राजधानी। निकल के आ रही है, चीन में कोरोना से हाहाकार, 20,000 से ज़्यादा नए मामले आए सामने, फेल हुई जीरो कोविड पॉलिसी। मौजूदा समय में भारत समेत कई देशों में कोरोना वायरस के कम से कम केस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भारत के पड़ोसी देश चाइना में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चीन में कोरोना का जमकर कहर देखने को मिल रहा है, वहीं इस देश ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है, लेकिन अब वो भी अभी तक फेल ही नज़र आ रही है। बुधवार को यहाँ 20,000 से ज़्यादा कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में रिपोर्ट्स की जाने वाली दैनिक मामलों की यह सर्वाधिक संख्या है। हैरानी वाली बात यह है कि चाइना ने कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद केस बढ़ने में लोग टेंशन में हैं। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, अल आतंकी अल जवाहिरी की वीडियो के बाद कर्नाटका के गृहमंत्री का दावा, हिजाब विवाद अलकायदा की साजिश। आतंकवादी संगठन अलकायदा के सरगना आयमान अल जवाहिरी ने हिजाब विवाद के जरिए अपनी जुबान से आग उगली है। उसने मुस्कान नाम की उस मुस्लिम छात्रा की तारीफ की है जो कर्नाटका में कॉलेज में हिजाब पहनने नजर आई थी। अलकायदा की आधिकारिक मीडिया विंग अस सहाब मीडिया ने एक 9 मिनट का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आने के बाद कर्नाटका के गृहमंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने दावा किया है कि हिजाब विवाद अलकायदा की एक साजिश है। वीडियो आने के बाद बीजेपी भी विरोध में उतर आई है। इसमें कहा गया है कि इसने देश में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। अलकायदा की तरफ से जो वीडियो शेयर किया गया है उनमें आयमान अल जवाहिरी ने कर्नाटका की स्कूल छात्रा मुस्कान खान की दिल खोलकर तारीफ कर दी है। जवाहरी की इस वीडियो के साथ एक पोस्टर भी जारी किया गया है जिनमें मुस्कान की तारीफ की गई है। वो कहता है कि मुझे वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए मुस्कान के बारे में पता चला, हम इसका एक तरीके से समर्थन करते हैं। हम चलते हैं और अपडेट, चीन पाक पर और मुस्तैदी से होगी निगरानी, सीमा की सुरक्षा के लिए भारत अलर्ट, केंद्र ने 6 गुना बढ़ाया अपना बजट। केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए बजट में जबरदस्त इजाफा कर दिया। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बजट को 6 गुना बढ़ाया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि सरकार ने भारत चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए VMI फंड को 2020 और 21 में 42,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 42 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर बात करें तो भारत और चीन से सटे इलाकों में एक तरीके से शिकंजा। हम चलते हैं एक और अपडेट, जिंदा है अलकायदा का नंबर 2 का नेता और खूंखार आतंकी अल जवाहिरी, भारत के हिजाब विवाद पर उगला जहर, मुस्लिम छात्रा ने की तारीफ, हमने आपको बताया। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और दोस्तों, जहां पर बड़ी अपडेट, ताइवान के एयर डिफेंस को मजबूत करेगा अमेरिका,
दी आर्थिक मंजूरी, वहीं चाइना को लगा करारा झटका। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें पेंटागन ने मंगलवार को कहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को पैट्रियट हवाई सुरक्षा प्रणाली के सहायक उपकरण, प्रशिक्षण और अन्य वस्तुओं को संभावित बिक्री के लिए 9.5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 7 अरब रुपये के सौदे में मंजूरी दे दी है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और पिछले कुछ समय से उन्हें ताइवानी समुद्री सीमा में गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इस पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई ताइवान सरकार ने शिकायत की है। चीन उस पर संप्रभुता स्वीकार करने के लिए सैन्य दबाव डाल रहा है। ताइवान युद्ध को एक स्वतंत्र देश मानता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में ताइवान के साथ पूर्ण एकीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पेंटागन ने कांग्रेस को एक अधिसूचना में कहा है कि जिस पैकेज को मंजूरी दे दी गई है उसमें पैट्रियट हवाई सुरक्षा प्रणाली और उससे संबंधित उपकरणों की ट्रेनिंग, योजना तैनाती, संचालन और रखरखाव शामिल होने चाहिए। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों, जहां समय पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए श्रीलंका ने दिया भारत को धन्यवाद। दरअसल श्रीलंका भारी इकोनॉमिक संकट का सामना कर रहा है। आर्थिक संकट के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही श्रीलंका दवाओं की आपूर्ति की कमी की भी सामना कर रहा है। लोग आर्थिक संकट के विरोध में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आ रहे हैं और इस बीच श्रीलंका के नेसान आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने भारत को दवाएं उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा है कि भारत द्वारा समय पर मदद ने स्वास्थ्य सुविधाओं के कामकाज को सुनिश्चित किया है। नेशनल आई हॉस्पिटल कोलंबो के डायरेक्टर डॉक्टर दमदिविका ने कहा है कि हमारी अधिकांश दवाएं भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत भारत आ रही हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट। कैलाश मानसरोवर सड़क के लिए 650 करोड़ रुपए मंजूर करेगा केंद्र। जल्द पूरा होगा उत्तराखंड से यात्रा करने का सपना। नेपाल या चीन की बजाय उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार जल्दी 650 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजना को मंजूरी देगा। केंद्र सरकार भारत चीन सीमा संपर्क सड़क के अंतिम खंड के लिए काम शुरू करने के लिए तैयार है, जो कैलाश मानसरोवर को जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगी। उत्तराखंड के ये लिंक रोड वाहनों को तीर्थ स्थल से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर तक ड्राइव करने की अनुमति देगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार परियोजना पर काम में तेजी लाने के लिए लगी हुई है। केंद्र मशीनीकृत निर्माण लाने के लिए L&T से लेकर टाटा समूह की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनियों को और ठेकेदारों को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पहले ही शीर्ष फर्मों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम पूरा कर लिया गया है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में मुठभेड़, पुलिस और सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम का ऑपरेशन जारी, एक आतंकी ढेर। दरअसल जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल इलाके में मुठभेड़ हुई। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ऑपरेशन में लगी है, इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है। समाचार एजेंसी ANI ने के अनुसार पुलिस ने अपने बयान में बताया है कि मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है, ऑपरेशन अभी चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इलाके में अभी और आतंकी छिपे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्वीट में बताया है कि अवंतीपोरा के त्राल इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों को डट कर सामना कर रहे हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर आपको बता दें सेना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देवी देवताओं का अपमान। बड़ी खबर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नया विवाद खड़ा हो गया। यहाँ एक प्रोफेसर ने रेप के मुद्दे पर बनाए गए प्रेजेंटेशन में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बातें लिखी। सोशल मीडिया पर स्लाइड की तस्वीर आते पर हंगामा मच गया। MU प्रशासन ने फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने असिस्टेंट प्रोफेसर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रोफेसर पर स्टूडेंट, स्टाफ और नागरिकों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया। कई लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र कुमार नाम के इस प्रोफेसर की ट्विटर के जरिए पुलिस से शिकायत की है। देवी देवताओं पर बेहद आपत्तिजनक बातें लिखने को लेकर लोग MU पर प्रोफेसर को निंदा कर रहे हैं। पुलिस की से बड़ी कड़ी कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी की भी लगातार मांग की जा रही है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। रूस पर एक्शन नहीं ले सकते तो खुद को बंद कर दें, संयुक्त राष्ट्र कहना। UNSC में भड़के जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा यह तक कह दिया कि अगर वो रूस पर एक्शन नहीं ले सकते तो फिर उन्हें इस संस्था को बंद कर देना चाहिए। इस दौरान जेलेंस्की ने UNSC से कहा है कि रूसी बलों द्वारा की गई ज्यादतियाँ इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के कृत्यों से अलग नहीं। उन्होंने रूसी बलों को युद्ध अपराध करने के मामले में न्याय के दायरे में लाने के खातिर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की। यूक्रेन में रूसी युद्ध अपराधियों की इस्लामिक स्टेट से तुलना करते हुए
और नूरबर्ग की तर्ज पर एक न्यायाधिकरण के माध्यम से पूर्ण जवाबदेही की मांग करते हुए बातें कहीं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश में आरएसएस के पथ संचलन पर फूलों की बारिश करने पर मुस्लिम डॉक्टर को फतवा जारी किया गया था, 1 करोड़ का इनाम दिया गया था, रखा गया था उन पर गला काटने का। अब जिसने फतवा जारी किया गया था उस पर सिकंजा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन पर स्कूलों की बारिश करना एक मुस्लिम डॉक्टर को भारी पड़ा। डॉक्टर का नाम डॉक्टर मोहम्मद निज़ाम भारती है। उनके खिलाफ फतवा जारी कर उनका सामूहिक बहिष्कार करने का आदेश हुआ। साथ ही उन्हें मारने पर 1 लाख के इनाम की भी बात कही गई। मानाठोर थाना क्षेत्र के महमूदपुर माफी के रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद निज़ाम भारती पुलिस से शिकायत की। हाल ही में आरएसएस की पथ यात्रा निकाली गई जिस पर हमले द्वारा जिससे फूल बरसाए गए थे और उसी के बाद जिसमें नाराज इमरान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो